गोरखपुर महोत्सव के तैयारियों की कमिश्नर ने की समीक्षा, व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने का दिया निर्देश। आरपीएफ आईजी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चैन पुलिंग के मामले में अब होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, की जाएगी सख्त कार्रवाई। तीन लुटेरों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने अवैध हथियार व लूट के रुपए किए बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद और भूख हड़ताल पर बैठे समन्वय समिति के महामंत्री राम सिंह को जूस पिलाकर नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों का समाप्त करवाया धरना। 50 लाख के अष्ट धातु की मूर्ति के साथ दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सहजनवा क्षेत्र के महुआपार में हुए अवैध अतिक्रमण पर चलाया प्रशासनिक हंटर। बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न, विस्तारकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने स्माइलपुर के तुरहा टोला में किया श्रमदान, स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। डायनेमिक फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसाइटी की कार्यशाला में दवाओं के उपयोग एवं दुष्प्रभाव पर हुई चर्चा। नगर निगम ने लॉन्च किया स्वच्छता ऐप, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से करें गंदगी की शिकायत, कार्रवाई करेगा नगर निगम। चिल्वाताल में पति ने पत्नी की हत्या, दोनों के बीच अक्सर होता था विवाद। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर महानगर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम।